हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास नाइन्थ, आपका चैप्टर टू इज मैटर अराउंड अ स्फीयर। साइंस का ये चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा डिटेल में ये चैप्टर। अच्छे से आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आप इस चैप्टर की सारी बातें जान सकें। चलिए करते हैं हम चैप्टर को स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है, हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारे जो जैसे कि दूध हो गया, हमारा बटर हो गया, हमारा घी हो गया, या फिर हमारे मसाले हो गए, हमारा नमक हो गया कह लो, या फिर हमारा मिनरल वाटर हो गया या जूस हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी है जो हम मार्केट से खरीद रहे हैं, ये चीज़ प्योर है या नहीं है, हम इसके बारे में कैसे पता करते हैं। यार जाहिर सी बात है, हम सबके दिमाग में चलता है ना ये सवाल, तो यार ये सब चीज़ें कैसे प्योर हैं या नहीं है। तो बच्चे हमें कैसे पता चलता है, इन सभी चीज़ों पे आप अक्सर देखना इस पे प्योर मार्क लिखा होता है। जैसे कि नमक का ये पैकेट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है प्योर, आप देख सकते हैं। जैसे अमूल का प्योर घी है, देखो इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है प्योर शब्द मेंशन है। तो बच्चे इस तरीके से इस पैकेट में प्योर लिखा होता है, जिससे हम पता कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ प्योर है। जैसे ये दूध का पैकेट है, ध्यान से देखिए, दूध के इस पैकेट में भी लिखा हुआ है यहाँ पर प्योर। तो यार ये चीज़ है, हमें कैसे चलता है कोई भी चीज़ पता कि ये प्योर है कि नहीं है, उस पैकेट पे लिखा होता है ना। अगर मैं बात करूँ एक कॉमन आदमी की, जैसे हमारे ऐसा कोई भी एक कॉमन मैन हो, भाई उसके लिए प्योर चीज़ क्या होती है? भाई कॉमन आदमी के लिए प्योर चीज़ का मतलब है किसी प्रकार की एडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए खाने में, किसी प्रकार की एडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। अगर हमारे चाहे दूध हो, चाहे घी हो, चाहे बटर हो, चाहे नमक हो, चाहे मसाले हो, कुछ भी हो, अगर किसी चीज़ के अंदर मिलावट नहीं है, एडल्ट्रेशन नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं भाई प्योर। ये कॉमन मैन के हिसाब से बता रहा हूँ, एक आम आदमी के हिसाब से प्योर चीज़ क्या होती है। भाई आम आदमी के हिसाब से अगर एडल्ट्रेशन नहीं हो रखी, एडल्ट्रेशन नहीं हुई, तो वो प्योर है। एडल्ट्रेशन का मतलब मैं ध्यान से सुनिए बता रहा हूँ, मतलब मिलावट। अगर मिलावट नहीं होती तो हम उसे प्योर मानते हैं। मगर बच्चे एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर चीज़ की परिभाषा थोड़ी अलग होती है। बच्चे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जितने भी आपके चीज़ें दिख रही है, नमक हो, मसाले हो, कुछ भी हो, या फिर आप बोल लो आपका दूध हो या फिर आपका घी हो, साइंटिस्ट के हिसाब से इनमें से कोई भी चीज़ प्योर कभी होती ही नहीं है। वैज्ञानिक के हिसाब से इनमें से कोई भी चीज़, भाई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, साइंटिस्ट की, वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी चीज़ प्योर नहीं होती। ना तो ये मसाले और नमक प्योर हैं, ना तो ये आपका दूध, ना आपका घी। अब आप बोलोगे सर नहीं, मैं तो गाय से एकदम फ्रेश मिल्क निकालता हूँ और कोई मिलावट नहीं करते। भाई अगर आप मिलावट नहीं भी करोगे ना, अगर आप एडल्ट्रेशन नहीं भी करोगे, तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ प्योर नहीं होती। इसका कारण देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे दूध, मैं आपको बताऊँ बेटा, दूध ना आपका प्योर नहीं होता। बच्चे ध्यान से सुनिए, दूध प्योर क्यों नहीं होता है? बच्चे मैं आपको बताता हूँ कि दूध, बच्चे आपका ना दूध प्योर नहीं होता। प्योर ना होने का कारण क्यों है? भाई देखो प्योर वो इसलिए नहीं है कि देखो उसके अंदर क्या क्या किस किस चीज़ के पार्टिकल पाए जाते हैं। भाई पानी के पार्टिकल पाए जाते हैं, शुगर के पार्टिकल पाए जाते हैं, फैट के पाए जाते हैं, प्रोटीन के पाए जाते हैं। यार इतनी सारी चीज़ें तो मिली हुई है दूध के अंदर, तो वो प्योर कैसे होगा? वाटर के पार्टिकल, शुगर के पार्टिकल, फैट के पार्टिकल और आपके प्रोटीन के पार्टिकल। और ध्यान से देखो सारे पार्टिकल का ना मैंने डायग्राम भी दे रखा है आपको, कैसे दिखते हैं इनके पार्टिकल, शुगर के, फैट के, प्रोटीन के, वाटर के, इतनी सारी चीज़ों के पार्टिकल हमारे दूध के अंदर होते हैं, तो वो प्योर नहीं होता बच्चों। ठीक है बच्चे, अब यार अगर ये चीज़ प्योर नहीं है तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर होता क्या है? भाई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग दूध हो गया, घी हो गया, बटर, नमक, मसाले, ये सब तो प्योर है ही नहीं। तो प्योर चीज़ क्या है? प्योर की परिभाषा क्या होती है वैज्ञानिक के मुताबिक? तो बच्चे मैं आपको बताऊं, प्योर सब्सटेंस आर दूस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। बेटा मैं आपको ना इसकी और अच्छे से डेफिनेशन बताता हूँ। किसी भी सब्सटेंस को हम प्योर तब कहते हैं जब उसके अंदर पाए जाने वाले सारे पार्टिकल या तो सेम हो, और अगर अलग अलग है ना तो उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। बच्चे देखो ध्यान से, मैं आपको इसको उदाहरण देकर समझाता हूँ। बच्चे ध्यान से देखिएगा, आपको इसमें दिख रहा होगा, नाम पे मत जाना आप, ये नीचे एलिमेंट और कंपाउंड, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं बोल रहा हूँ ये दोनों प्योर है। अब प्योर है, आप बोलोगे सर ये तो प्योर क्लियर है, समझ में आ रहा है,
क्योंकि इसके अंदर सारे एक ही जैसे पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं। देखो लाल लाल रंग के दिख रहे हैं ना, सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, तो ये तो हमें बिल्कुल प्योर लग रहा है। देखो आप तस्वीर में देख सकते हो ना, सारे पार्टिकल एक जैसे हैं इसमें, तो ये तो प्योर है। मगर सर ये वाला प्योर नहीं लग रहा है, यहाँ पर हमें दो अलग अलग तरह के पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं। एक तो हमें ब्लू देखने को मिल रहा है ना, और एक हमें रेड वाला पार्टिकल देखने को मिल रहा है। बच्चे मैं आपको कह रहा हूँ ये भी प्योर है। प्योर का मतलब होता है कि सब्सटेंस को अगर हमने कहा प्योर, तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे, चाहे वो सेम हो चाहे वो ना हो, मगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने देखा मेरे को दो पार्टिकल दिखे, एक तो मेरे को ब्लू वाला दिख रहा है और एक मुझे हल्का सा रेड वाला दिख रहा है ना। बेटा ये ब्लू और रेड पार्टिकल है, दोनों अलग अलग पार्टिकल है, मगर इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इस वजह से हम इन्हें बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस अगर हम किसी को कहते हैं, तो उनके अंदर जितने भी पार्टिकल पाए जाते हैं, उन सब के या तो वो सारे पार्टिकल सेम होंगे, मतलब ये वाला केस, या तो वो सारे पार्टिकल सेम होंगे, नहीं तो वो सारे पार्टिकल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, अगर वो अलग अलग है ना, जैसे इस वाले डायग्राम में आप देख रहे हो पार्टिकल्स अलग अलग है लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, तो ये होते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं, देखो जैसे मैंने बात किया था अभी, हम मिल्क की बात कर रहे थे। अब मिल्क के अंदर भी देखो अलग अलग पार्टिकल है, जैसे कि पानी का है, शुगर का है, फैट का है, प्रोटीन का, अलग अलग पार्टिकल पाए जा रहे हैं, है ना। बच्चे अगला टॉपिक है हमारा, व्हाट इज अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ मिक्सचर क्या होता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हो, हमारे पास ये भी प्योर सब्सटेंस है। देखो ध्यान से बच्चे, हमारे पास अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे बच्चे, हमारे पास ये भी प्योर सब्सटेंस है और ये भी प्योर सब्सटेंस है। बच्चे प्योर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बच्चे प्योर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल हो, या तो किसी एक ही तरह के पार्टिकल हो, या तो फिर क्या हो, अगर अलग अलग तरह के पार्टिकल हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने यहाँ पर ले लिए दो प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस बच्चों क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही तरह का पार्टिकल है। ये भी प्योर सब्सटेंस है क्योंकि इसमें भी एक ही तरह के पार्टिकल है। इन दोनों को मिलाकर हमारा ये तैयार हुआ। हमने इसे मिक्सचर क्यों कहा, उसका रीज़न बड़ी गौर से सुनना। सबसे पहला रीज़न, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी एकदम अलग अलग है। जो व्हाइट कलर के पार्टिकल है ना, इसमें देखो ये व्हाइट कलर के पार्टिकल, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है, और ये जो ग्रीन कलर के पार्टिकल है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है, इसीलिए ये मिक्सचर है। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि मिक्सचर के अंदर अलग अलग तरह के पार्टिकल होते हैं और साथ ही साथ उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो एकदम अलग अलग होती है। ठीक है बच्चे, चलिए ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसा आप सब जानते हैं NCERT में हमें बताया गया है कि हम नमक को पानी में घोलते हैं तो वो कंप्लीट घुल जाता है ना। आप सबने करा होगा, नमक को पानी में घोला होगा, हमारा सैलिन वाटर आता है ना। सैलिन वाटर मतलब नमकीन पानी। आपको पता है अब पानी के अंदर ना हमारा नमक घुल गया। देखो दो चीज़ें पानी के अंदर, एक तो पानी के अंदर होंगे पानी के पार्टिकल और दूसरे होंगे नमक के पार्टिकल, है ना। मतलब भाई पानी जो है, पानी में नमक हमने घोल दिया अच्छे से। तो बच्चे अब मैं अगर आपको बताऊं, एक मेथड है जिससे हम नमकीन पानी में से नमक को और पानी को अलग कर सकते हैं। उस मेथड को यहां पर बताया गया है और देख सकते हैं आप लोग। वो मेथड होता है आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बच्चों वो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं बच्चे, जैसा ना आपको ये दिख रहा होगा, अच्छे से देखिएगा, यहां पर ना नमक है और पानी है, जैसे ये नमक है और ये वाटर के पार्टिकल होंगे। अब जैसा क्या हुआ, यहां पर ना क्या करा, नमक और वाटर, ठीक है। अब यहां पर हमने हीट दी, इसे इवेपोरेशन का मेथड दिया। इवेपोरेशन में हम इसे हीट देंगे सैलिन वाटर को, माने नमकीन पानी को। जो पानी होगा वो तो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन बीकर में रह जाएगा सिर्फ आपका नमक। तो इवेपोरेशन हमारा वो मेथड है जिसमें हम नमकीन पानी को देते हैं हीट, और हीट देने से पानी तो सारा इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, और हमारा बीकर में बसता है आपका नमक। तो ये मेथड होता है जिससे कि हम एक घुले हुए पानी में से पानी को अलग और नमक को अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, और अब मैं आपको बताऊं नमक के बारे में। तो नमक एक प्योर सब्सटेंस है, समझाता हूं कैसे। देखो बच्चे, देखिए नमक के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। एक तो होते हैं सोडियम के और एक होते हैं क्लोरीन के। अब बच्चों के दिमाग में आएगा, सर अगर हमारे सॉल्ट के अंदर अलग अलग तरह के पार्टिकल है तो ये प्योर कैसे है। बच्चे सोडियम के और क्लोरीन के पार्टिकल है और ये बिल्कुल अलग है। नमक के अंदर दो तरह के पार्टिकल है, सोडियम और आपका क्लोरीन। Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोरीन, दो के पार्टिकल है बेटा। इन दोनों के पार्टिकल्स की ना केमिकल प्रॉपर्टी सेम है,
ध्यान से सुनना, इन दोनों पार्टिकल की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इसीलिए इन्हें हमने प्योर बोला है। ठीक है बच्चे, तो याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया कि हमारा नमक जो होता है वो प्योर में आता है। ठीक है, अब जरा मैं बढ़ता हूँ आगे आपको लेकर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पानी में हमने चीनी घोली हुई है। बच्चे मैं आपको शुगर के बारे में भी बता दूं, शुगर भी एक प्योर सब्सटेंस है भाई। शुगर भी जो होता है ना, ये चीनी दिख रही है ना आपको, है ना, शुगर भी एक प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि शुगर के भी अंदर एक ही तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं, इसीलिए हमारी चीनी होती है प्योर। याद रखना जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे अगर मैं बात करूँ कोका कोला, ऐसे देख लो आप, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर लूँ या फिर पीछे की मिट्टी की बात कर लूँ, अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर देखूँगा तो इसके अंदर अलग अलग तरह के पार्टिकल दिखेंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। अगर मैं बात करूं मिट्टी की, माने कि बच्चे सॉइल की, आप तस्वीर में देख सकते हैं ना पीछे, ये सॉइल है सारा, है ना। अगर मैं बात करूं मिट्टी की, तो मिट्टी के अंदर भी अलग अलग तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं और उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है बच्चों। इसीलिए आपका कोल्ड ड्रिंक और आपके जो आसपास की मिट्टी है वो सारी की सारी मिक्सचर है। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे मिक्सचर के बारे में मैंने जैसा आपको बता दिया, हमें क्लियर हो गया है मिक्सचर देखो कैसा है। जैसा कि अगर ये मत देखिएगा ये क्या टाइप दे रखे हैं अभी फिलहाल, ये मत देखिए, अभी बताता हूँ इसके आगे में। बेटा देखो मिक्सचर ये भी है और मिक्सचर ये भी है। आप बोलेंगे इसमें भी अलग अलग तरह के पार्टिकल हैं और इसमें भी अलग अलग तरह के पार्टिकल हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों मिक्सचर क्यों हैं? क्योंकि इनमें अलग अलग तरह के पार्टिकल पाए जा रहे हैं और ये जो पिंक वाले और ग्रीन वाले पार्टिकल हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एकदम अलग है। यहाँ पर भी देखो हमने इसे मिक्सचर बोला हुआ है, यहाँ पर भी पिंक वाला और ग्रीन वाले दोनों अलग अलग तरह के पार्टिकल पाए जा रहे हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एकदम अलग है, इसीलिए ये मिक्सचर है। ठीक है बच्चे, बच्चों अगला टॉपिक है हमारा मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं। तो बच्चे हमारा मिक्सचर जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, ध्यान से देखिएगा। एक होता है आपका, यहाँ पर दे रखा है बच्चे ध्यान से सुनिए, एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब सर ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका होमोजीनियस और फिर पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर सिर्फ दो प्रकार के, बहुत सिंपल है। अगर आप फिर से भूल रहे हो तो दोबारा मैं रिमाइंड करवाता हूँ, मिक्सचर के अंदर अलग अलग तरह के पार्टिकल होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। तो बच्चे हमारे मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, एक है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब चलते हैं एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं बच्चे। सबसे पहले इसके एग्जांपल बाद में दिखाते हैं, पहले हम पढ़ते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। देखिए यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, अ होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस ब्लेंडेड सो थॉरली दैट यू कैन नॉट सी इंडिविजुअल सब्सटेंस। बेटा होमोजीनियस मिक्सचर में ना चीजें, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक चीज है ए, एक है बी और एक है सी। मैं बच्चे इन्हें आपस में मिक्स कर रहा हूँ, मैं इन्हें आपस में मिक्स कर रहा हूँ और मिक्स करके मेरे पास बन गया यहाँ पर जो भी मेरा मिक्सचर बन गया। मैंने इसे होमोजीनियस मिक्सचर क्यों कहा है? अगर आप इस मिक्सचर को देखोगे ना बच्चों, आपको ये कंप्लीट थ्रू आउट सेम दिखेगा। आपको कहीं पर भी इस पूरे मिक्सचर को देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि ये ए के पार्टिकल है, बी के पार्टिकल, ये रहे सी के पार्टिकल, मतलब कोई भी चीज अलग अलग नहीं दिखने वाली। जब हमारे मिक्सचर में चीजें आपस में मिलकर एकदम थ्रू आउट सेम दिखे तो उसे कहते हैं आपका होमोजीनियस मिक्सचर। यहां पर मैंने ए को, बी को और सी को मिलाया और मिलाने के बाद हमारे जो मिक्सचर बनके तैयार हुआ उसके अंदर ए के पार्टिकल अलग से, बी के पार्टिकल अलग से और सी के पार्टिकल अलग से नहीं दिख रहे। ये कंप्लीट देखने में सेम है, ऊपर से नीचे से दाएं बाएं आगे पीछे कहीं से भी देखो एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, थ्रू आउट सेम है। इसे कहते हैं ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर। चलिए बच्चे मैं आपको और इसके एग्जांपल देता हूं तब आपको क्लियर होगा। यहां पर जो भी एग्जांपल है वो होमोजीनियस के हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले कॉफी का, अगर मैं बात करूं कॉफी की, तो आपको पता है कॉफी के अंदर कितने अलग अलग टाइप के पार्टिकल हैं। कॉफी के अंदर चीनी के पार्टिकल हैं, कॉफी के अंदर आपके दूध के पार्टिकल हैं, पानी के पार्टिकल हैं क्या। लेकिन और आपको देखो ध्यान से, अब अगर मैं आप बात करूं कॉफी की, तो कॉफी में क्या देखने पर हमें ऐसा लगता है कि कॉफी के अंदर दूध के पार्टिकल अलग दिख रहे हैं? यार ये देखो दूध के पार्टिकल, ये हमारे कॉफी के पार्टिकल, ये हमारे चीनी के पार्टिकल, ये हमारे थोड़े पानी के पार्टिकल, बिल्कुल भी नहीं।
कॉफी, कॉफी को अगर हम देखते हैं तो वो कंप्लीट देखने पर सेम लगती है, थ्रू आउट सेम लगती है। इस वजह से कॉफी जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। उसी तरह वाइन भी है, वाइन को जब हम देखते हैं तो वाइन के अंदर हमें अलग अलग पार्टिकल देखने को नहीं मिलते, जब हम वाइन को देखते हैं तो वो कंप्लीट थ्रू आउट सेम दिखता है। उसी तरह हवा, अगर आप एयर को देखोगे, अगर आप नॉर्मली एयर को देखोगे तो एयर आपको, वैसे तो कुछ बोलते बच्चे सर एयर दिखती नहीं, मैं आपको बताऊं तो एयर के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल है और वो हमें अलग नहीं दिखते, कि नाइट्रोजन के पार्टिकल अलग, ऑक्सीजन के पार्टिकल अलग और कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा कंप्लीट देखने में एयर सेम दिखती है, इसलिए ये आपका होमोजीनियस है। यहाँ पर ये ब्रास है बच्चे, ठीक है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आगे आपको पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं अभी ऐसे ऊपर से बताता हूँ। ब्रास है, ब्रास के अंदर अगर आप इसे जूम करके मतलब आप लैब में जाकर इसे अच्छे से देखते हो तो ब्रास के अंदर ना, मैं आपको बताऊँ, ब्रास अभी देखने को मिले, ब्रास के अंदर अलग अलग तरह के पार्टिकल हैं, मैं कौन से पार्टिकल, अभी इसके बारे में अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको। बेटा ब्रास कंप्लीट देखने पर थ्रू आउट सेम दिख रहा है, कंप्लीट देखने पर पूरा का पूरा थ्रू आउट सेम है, ऐसा नहीं लग रहा कि मान लो एग्जांपल ब्रास जो है वो सी और डी से बना हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा ब्रास को देखने पर कि यहाँ पर सी के पार्टिकल यहाँ पर डी के पार्टिकल, बिल्कुल भी नहीं। कंप्लीट देखने पर ऐसा मिक्सचर जो कंप्लीट देखने पर थ्रू आउट सेम दिखे उसे कहते हैं आपका होमोजीनियस मिक्सचर। चलिए बच्चे चलते हैं हम अपने आगे वाले पे, अगला वाला है हमारा हेटरोजीनियस मिक्सचर, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A heterogeneous mixture is a mixture that is not uniform. You can observe and separate individual parts of the mixture. Heterogeneous mixtures के अंदर जो भी particles आते हैं आप उन्हें अलग अलग देख सकते हो, वो complete देखने पर throughout same नहीं दिखेगा। Example के तौर पर मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैंने एक substance A लिया और एक लिया B और मैंने इन्हें आपस में mix कर दिया, mix करने पर जो मेरा mixture तैयार हुआ उसमें मुझे A के particle अलग दिख रहे हैं, B के पार्टिकल अलग दिख रहे हैं। तो बच्चे ध्यान से देखो, इस मिक्सचर को देखने पर ये थ्रू आउट सेम नहीं दिख रहा, मतलब कंप्लीट सेम नहीं दिख रहा, A के पार्टिकल अलग और B के पार्टिकल अलग दिख रहे हैं। तो इससे ये पता चलता बच्चे, तो इसे अपने दिमाग में डालना और थोड़े ना एक एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं जरा, है ना। ये हेटरोजीनियस मिक्सचर के हैं, अगर देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इस चॉकलेट चिप कुकीज की बात करूं तो देखो अलग अलग पार्टिकल दिख रहे हैं, देखो ये पार्टिकल अलग दिख रहा है, ये वाला पार्टिकल अलग दिख रहा है। अगर मैं बात करूं पिज्जा की तो देखो इसमें आपके टोमेटोज अलग दिख रहे हैं, ग्रीन लीव्स अलग दिख रही है, चीज अलग दिख रही है और ये ब्रेड अलग दिख रही है। तो पिज्जा में, पिज्जा को देखते हैं जब वो कंप्लीट थ्रू आउट सेम नहीं दिखता, अलग अलग पार्टिकल दिखते हैं, इसे बोलते हैं आपका हेटरोजीनियस मिक्सचर। जैसे आप देख सकते हो सोडा विद आइस, यहाँ पर आपका दे रखा है सोडा विद आइस, यहाँ पर आपके सोडा के पार्टिकल अलग हैं और आइस के पार्टिकल अलग हैं, ये थ्रू आउट सेम नहीं दिख रहा, यहाँ पर बर्फ के पार्टिकल अलग हैं और सोडा अलग दिख रहा है आपको। तो ये होता है आपका हेटरोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पर आपका ये टॉस सलाद है, इस सैलेड में अगर आप देखोगे अलग अलग स्पाइनक के दिख अलग दिख रहा है, टोमेटो अलग दिख रहा है, ये खीरा अलग दिख रहा है। तो बच्चे ऐसा मिक्सचर जिसे देखने पर वो थ्रू आउट सेम ना दिखे और उसमें पार्टिकल्स एकदम अलग अलग दिख रहे हैं, ऐसे को कहते हैं हेटरोजीनियस मिक्सचर। जैसे मान लो अगर मैंने आपके पास एक मार्बल ले लिया, ठीक है, मैंने मार्बल ले लिया और मैंने शुगर ले लिया, या देखो शुगर ले लिया, मैंने मार्बल और शुगर को मिक्स कर दिया, यार आपको जो डॉट डॉट दिख रहा है क्या ये आपको कंप्लीट देखने पर थ्रू आउट सेम दिख रहा है? नहीं। तो ये हेटरोजीनियस मिक्सचर है, इसमें जो ये जो शुगर के पार्टिकल है वो अलग हैं और आपका मार्बल अलग दिख रहा है, जो जिसमें पार्टिकल अलग अलग दिखते हैं वो थ्रू आउट सेम नहीं होता, वो होता है आपका हेटरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बच्चे, आई होप आप लोगों को होमोजीनियस और हेटरोजीनियस क्लियर हो गया होगा। जो कंप्लीट मिक्सचर देखने में थ्रू आउट सेम दिखे होमोजीनियस, जो कंप्लीट थ्रू आउट देखने पर सेम ना दिखे, पार्टिकल्स अलग अलग दिखे, वो होता है हेटरोजीनियस। तो बच्चे अब हमारा आगे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जितना भी हमने पढ़ा है ना उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट इज मिंट बाय अ सब्सटेंस? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सब्सटेंस क्या होता है। तो बच्चे आप जैसा कि देख सकते हैं सब्सटेंस किसे कहते हैं? बेटा कोई भी चीज़ जो प्योर है, माने कोई भी ऐसा मैटर जिसके अंदर पार्टिकल्स जो होंगे या तो वो एक ही टाइप के होंगे, अगर अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स भी हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है बच्चे, मैंने आपको बताया उसे कहते हैं सब्सटेंस। बेटा सब्सटेंस ना प्योर चीज को कहते हैं। देखिए याले की बात कर रहा हूं मैं, व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस। तो मैंने आपको बता दिया बच्चे सब्सटेंस जो होता है वो प्योर चीज को कहते हैं। ठीक है, कोई भी मैटर जो प्योर है, ठीक है, प्योर का मतलब क्या हो, या तो उसके अंदर एक ही तरह के पार्टिकल होंगे और अगर अलग अलग तरह के पार्टिकल हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी।
ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं अगला क्वेश्चन यहां पर जो बोल रहा है, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में और आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको कुछ अंतर बताने हैं। भाई देखो, सबसे पहला अंतर अगर मैं आपको बताऊं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, होमोजीनियस को अगर मिक्सचर को हम देखें वो देखने में थ्रू आउट पूरा सेम दिखता है, होमोजीनियस मिक्सचर इसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है, ये अंतर आता है कि अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को देखते हैं तो ये थ्रू आउट देखने में सेम नहीं दिखता, ये देखने में इसमें पार्टिकल्स अलग अलग साफ दिख जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अगर मैं पानी के अंदर मार्बल डाल दूं, मार्बल मतलब कंचे ले लो, पानी के अंदर अगर मैं मार्बल डाल दूं तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा ये वाला, क्योंकि पानी के पार्टिकल अलग दिख रहे हैं, पानी अलग दिख रहा है और मार्बल अलग दिख रहे हैं, है ना, कंप्लीट देखने में थ्रू आउट सेम नहीं है, तो ये है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए बच्चे अब मैं लेके चलता हूं आपको आगे। अब अगला हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन, ठीक है बच्चे। मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन क्या होता है। बेटा सॉल्यूशन जो होता है ना बच्चे, यहां पर आप पढ़ोगे इसकी डेफिनेशन, सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर बनता है। सबसे पहले आप याद रख रहे हो, सॉल्यूशन दो या दो से ज्यादा चीजें जब हम आपस में मिक्स करते हैं, दो या फिर दो से ज्यादा चीजें अगर हम आपस में मिक्स करेंगे उससे तैयार होगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या बच्चे, सॉल्यूशन को अगर हम देखेंगे, देखो देखने में थ्रू आउट सेम दिख रहा है, सेम याद रखना, होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन, मतलब देखने पर यह थ्रू आउट पूरा का पूरा कंप्लीट सेम दिखता है, ठीक है बच्चे। अब देखिए अगर मैं आसपास की जिंदगी में बात करूं, हमारे आसपास कई सारे सॉल्यूशन है। भाई देखो फिर से बोल रहा हूं, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, जो देखने में कंप्लीट बाहर से सेम लगता है, थ्रू आउट सेम लगता है, ठीक है। तो बच्चे हमारे आसपास की जिंदगी में ना बहुत सारे सॉल्यूशन देखते हैं, जैसे कि लेमोनेड आपको दिख रहा होगा, है ना, नींबू पानी आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हो पूरा देखने पे थ्रू आउट सेम है। बेटे इस पत्ती को ना आप स्किप करो, ये जो पत्ती इसमें है आगे इसे छोड़ दो, फिलहाल मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ लेमोनेड की। अगर आप लेमोनेड को देखोगे तो लेमोनेड ना एक सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चे, और वो सॉल्यूशन है तो वो होमोजीनियस है, आप देख सकते हो होमो है, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब आपको देखने में लग रहा होगा थ्रू आउट सेम है, आपको नींबू के पार्टिकल अलग, पानी के अलग, चीनी के अलग, ऐसा आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे, देखने में कंप्लीट पूरा सेम दिख रहा है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और आपको एक और दिखाता हूं मैं सॉल्यूशन, जैसा कि आप देख सकते हो सोडा वाटर। बेटा सोडा वाटर में हमारा दो चीज़ें होती है, एक तो पानी होता है और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसको ध्यान से देखो, आपको पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल अलग अलग नहीं दिख रहे, कंप्लीट देखने पर ये पूरा का पूरा सोडा वाटर सेम थ्रू आउट है, थ्रू आउट पूरा सेम है। तो बच्चे याद रखना, सोडा वाटर में हमारा जो हम सोडा वाटर को देख पा रहे हैं इस तस्वीर में, ये देखने में कंप्लीट थ्रू आउट सेम है, मतलब कि ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, जो कि सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब ज्यादातर ना हम यही सोचते हैं कि यार सॉल्यूशन, नाम भी लिख रहे हो सॉल्यूशन आ रहा है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि सॉल्यूशन के एग्जांपल सिर्फ लिक्विड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको सॉल्यूशन का एक एग्जांपल बताया, आपका लेमोनेड लिक्विड है, मैंने अगर आपको सोडा वाटर बताया, ये भी एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ये भी लिक्विड है। बेटा ऐसा नहीं होता, सॉल्यूशंस के एग्जांपल सिर्फ लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, आप इसे सॉलिड और आपका गैसियस फॉर्म में भी देख सकते हो। देखो जैसे कि ये सारे के सारे सॉल्यूशन है, सारे के सारे सॉल्यूशन देख लो, आप अगर स्टील देखोगे, ब्रॉन्ज देखोगे, ब्रास देखोगे, गोल्ड देखोगे, पीटर देखोगे, ये सारे के सारे सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि बच्चे ध्यान से सुनना, ये देखने में थ्रू आउट पूरे सेम दिख रहे हैं, देखो ध्यान से, होमोजीनियस मिक्सचर है। आप अगर स्टील को देखो, स्टील पूरा दिखने में सेम दिख रहा है, कहीं पर अलग अलग पार्टिकल नहीं दिख रहे, होमोजीनियस मिक्सचर है मतलब सॉल्यूशन। वहीं ब्रॉन्ज, ब्रास, गोल्ड और पीटर की अगर हम बात करेंगे, इन सबको देख लो, ये सारे के सारे हमारे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, कंप्लीट देखने पर ये सेम दिख रहे हैं, ये सॉलिड एग्जांपल हो गए हमारे सॉल्यूशन के। जैसे ये वाला बताया था मैंने आपको, लिक्विड एग्जांपल है सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का एग्जांपल है जो सॉलिड है। अब आपको गैसेस बताता हूँ, एयर। बच्चे ध्यान से देखो, ये एयर है, ऐसे नहीं भी दिख रही तो कोई बात नहीं, ये एयर है बच्चों। एयर के अंदर तो नाइट्रोजन के पार्टिकल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं और अदर गैसेस के होते हैं, ठीक है बच्चे। आप जब एयर को देखेंगे या एयर को फील करेंगे, आपको एयर में ना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग नहीं दिखते, हमें एयर देखने पर कंप्लीट थ्रू आउट सेम दिखेगी। तो ये क्या होगा, जल्दी सोचो, होमोजीनियस या हेट्रो?
बिल्कुल सही जवाब, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और होमोजीनियस मिक्सचर है तो ये सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन का कौन सा एग्जांपल है? गैशियस। तो हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन के जो एग्जांपल्स होते हैं ना बच्चों, वो लिक्विड भी होते हैं, वो आपके सॉलिड भी होते हैं, और वो आपके गैशियस भी होते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा तीनों फॉर्म में पाया जाता है। सॉल्यूशन क्या होता है एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन, मतलब देखने पर कंप्लीट बाहर से थ्रू आउट सेम दिखेगा आपको। अब मैं आपको बताता हूँ अलॉय। बेटा ये सारे के सारे अलॉय हैं, देखो देखने में कंप्लीट थ्रू आउट सेम दिख रहा है, देखने में कंप्लीट थ्रू आउट सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, मतलब ये सारे के सारे जो अलॉयज हैं ना बेटा, ये आपके होते हैं, जितने भी आपके अलॉयज होते हैं ये सारे के सारे आपके होते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि ये सब होमोजीनियस मिक्सचर है। सारे के सारे देखने पर कंप्लीट पूरे के पूरे सेम दिखते हैं, ठीक है बच्चे। अब चलो अलॉय होता क्या है मैं आपको और भी बताता हूँ। बेटा दो मेटल या दो से ज़्यादा मेटल, देखो जैसे दो मेटल या दो से ज़्यादा मेटल को जोड़ा तो अलॉय तैयार हो गया, या फिर एक मेटल को और एक नॉन मेटल को जोड़ा तो भी अलॉय तैयार हो गया। ये चीज़ आप ध्यान सुनना, जब हम दो मेटल या फिर दो से ज़्यादा मेटल को आपस में जोड़ दें तो हमारा अलॉय आ जाता है, या फिर हम एक मेटल को और एक नॉन मेटल को आपस में जोड़ें तो इससे भी हमारा अलॉय आता है, ठीक है बच्चे। ये हमारे अलॉय है, मैं आपको एक अलॉय के बारे में बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रास। बच्चे ध्यान से सुनना, मैं आपको ब्रास के बारे में बताता हूँ। ब्रास जो है वो एक अलॉय है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, पहले तो आप मुझे देख के बताओ ये होमोजीनियस लग रहा है या हेट्रोजीनियस। ध्यान से देखो इस पूरे ब्रास के पाइप को, ये आपको देखने पर कंप्लीट सेम दिख रहा होगा थ्रू आउट, इसका मतलब ये होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चे। ब्रांस में ये जो ब्रास है ना, ब्रास में ना बच्चे आपकी दो चीजें होती है, देखो ब्रास में एक होता है जिंक और एक होता है आपका कॉपर, ठीक है। जिंक होता है 30% और कॉपर होता है आपका 70%। अब आप देखो ब्रास हमारी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो हमारा जिंक और दूसरा हमारा कॉपर, ठीक है। अब जिंक और कॉपर है, लेकिन ब्रास को देखने पर कहीं पर भी जिंक के पार्टिकल अलग और कॉपर के पार्टिकल अलग दिख रहे हैं? नहीं, ये देखने पर कंप्लीट पूरा सेम लग रहा है, इसीलिए मैंने बोला ये होमोजीनियस मिक्सचर है, माने कि ये होगा सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन का कौन सा एग्जांपल है, सॉलिड, लिक्विड या गैशियस, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा बच्चे। अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन बनता कैसे है, मतलब कि यह सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें आती है, उसके कॉम्पोनेंट। बेटा सॉल्यूशन में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। इन दोनों को अगर हम आपस में मिक्स करें तो हमारा तैयार होता है सॉल्यूशन। आप देख सकते हो सॉल्यूशन को पूरा, यहाँ पर देखो दिख रहा होगा आपको सॉल्यूशन, एक होमोजीनियस मिक्सचर है थ्रू आउट पूरा सेम। बच्चे मैंने आपको बताया सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, एक होता है सॉल्यूट एक होता है सॉल्वेंट। बेटा जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना उसे बोलते हैं आपका सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे बोलते हैं सॉल्यूट। चलो मैं आपको समझाता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो एक तरफ हमारे पास है कॉपर सल्फेट और एक तरफ है हमारे पास पानी, हमने इसे मिक्स किया, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम बच्चे पानी को ना, हम पानी को बोलेंगे आपका सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे सॉल्वेंट। और कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर जो सल्फेट है इसकी क्वांटिटी कम है तो इसे बोलेंगे सॉल्यूट। सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी कम है उसे बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। और बताते हैं बच्चों, जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर ये पार्टिकल लिया, इसे पानी में ऐड किया, सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है बच्चे। अब ध्यान से देखना, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर इसकी क्वांटिटी कम है सॉल्यूट, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए देखो सॉल्वेंट। बेटा ये सॉल्यूशन है, होमोजीनियस ही होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो होमोजीनियस है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल अलग अलग दिख रहे हैं। बच्चे ये बस खाली एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए बोला हुआ है, एक्चुअली में ये सॉल्यूशन है, ये पूरा घुल जाएगा, इसका कलर जो होगा, इसका जैसा भी टेक्सचर होगा पूरा थ्रू आउट सेम होगा, ये रेड पार्टिकल और पानी अलग अलग नहीं दिखेगा आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, देखो बच्चे आप देख सकते हो यहाँ पर ये पानी ले दिया और हमने यहाँ पर चीनी ले लिया, पानी और चीनी को मिक्स किया, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो सॉल्वेंट, चीनी की क्वांटिटी कम है तो सॉल्यूट, और इन दोनों को मिलाकर बन गया आपका ये शुगर वाटर, ठीक है बच्चे, नमकीन मीठा पानी। आप देख सकते हो ये सॉल्यूशन है, देखने में पूरा का पूरा थ्रू आउट सेम है, कहीं पर भी चीनी के पार्टिकल और पानी के पार्टिकल अलग अलग नहीं दिखेंगे, ये सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चे। और आपको बताते हैं, जैसा कि ना मैं आपको बताता हूँ ये टिंचर ऑफ आयोडीन, बच्चे इसे बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। इसमें ना देखो देखने पर ये कंप्लीट थ्रू आउट सेम दिख रहा होगा,
इसमें दो चीज़ें मिली हुई होती हैं, बताता हूँ क्या क्या। पहला होता है आपका आयोडीन और दूसरा होता है आपका एल्कोहल। ठीक है बच्चे, आयोडीन और एल्कोहल को मिलाकर बनता है आपका टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है बच्चे, यहाँ पर अगर आप इसे देखोगे, देखने पे आप इसका कलर बॉटल के बाहर से ही दिख रहा है, ये कंप्लीट देखने पर सेम है, होमोजीनियस मिक्सचर माने कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो चीज़ें आ रही हैं, आयोडीन, देखो इस वाले सॉल्यूशन में क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है आयोडीन, एक आ रहा है आपका एल्कोहल। आयोडीन की क्वांटिटी कम है और एल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसकी क्वांटिटी कम है वो है सॉल्यूट और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो है आपका सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिलाकर तैयार हुआ हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आप एयर के बारे में जानते हैं, हवा, एक बार ज़रा गौर से देखो, हवा में अलग अलग पार्टिकल नहीं दिखते, वो देखने में कंप्लीट पूरा सेम दिखता है, मतलब कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है माने सॉल्यूशन है। अब एयर में ये नाइट्रोजन है और ये है आपका मान लो ऑक्सीजन। भाई जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और जिसकी क्वांटिटी कम है, ज़्यादा वाले को बोलते हैं आपका सॉल्वेंट और कम वाले को बोलते हैं आपका सॉल्यूट, और इन दोनों को मिलाकर तैयार हुआ हमारा एयर जो कि है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, सॉल्यूशन में हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम वो सॉल्यूट। तो बच्चे अब मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, आपको आनी चाहिए, इसी से आपको पता रहेगा सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन की ना पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ध्यान से देखो इस सॉल्यूशन को, कंप्लीट देखने पर थ्रू आउट सेम दिख रहा है, मतलब कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, पहली प्रॉपर्टी आपकी सॉल्यूशन की। ठीक है, याद रखना पहली प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस होता है, देखो साफ पता चल रहा है देखने पर, कंप्लीट देखने पर सेम है तो होमोजीनियस होता है। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा, जो हमारा सॉल्यूशन होता है ना बेटा, इन दो को मत देखो, ये हमारे सॉल्यूशन में नहीं है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये सस्पेंशन है, सिर्फ इसको देखो बच्चे, ध्यान से देखना इसको। आपको मैं बताऊं कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटा, उससे भी छोटा होता है, जो 1 नैनोमीटर होता है ना उससे भी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटा। देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हमारे सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होता है उसका डायामीटर 1 नैनोमीटर, देखो जैसे मान लो उसका जो डायामीटर होगा वो 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटा होगा, बहुत छोटा, इतना ज़्यादा छोटा है तो हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, अगर हम अपनी नेकेड आई से देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा, साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है सॉल्यूशन के पार्टिकल का। तीसरी प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया सॉल्यूशन का पार्टिकल, जो सॉल्यूशन की पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत छोटा है, इसे मत देखना और आप इसे मत देखिए, आप सिर्फ इस पर फोकस कीजिए सॉल्यूशन वाले पे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, देखो ध्यान से कि जो हमारा सॉल्यूशन है इसमें ना पार्टिकल का साइज ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटा, इसीलिए ये लाइट का पैथ नहीं दिखा पाता। देखो यहाँ पर लाइट का इस तरीके से पैथ नहीं दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है, गौर से देखना, लाइट का पैथ विजिबल नहीं होता। याद रखना आप इसे कैसे बोलोगे, आप बोलेंगे कि सॉल्यूशन पे अगर हम लाइट मारते हैं तो उसमें लाइट का पाथ नहीं दिखता, देखो कोलॉइड में दिख रहा है यहाँ पर, और देखो इस वाले में भी दिख रहा है सस्पेंशन में, देखो लाइट का पैथ दिख रहा है, नहीं अगर दिख रही वीडियो में तो देखो ये, देखो ये लाइन जारी होगी, ये होता है लाइट का पैथ, और अगर आप यहाँ देखोगे इसमें कोलॉइड में तो यहाँ पर भी लाइट का पैथ आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप बात करोगे अपने सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन में लाइट का पाथ नहीं दिखता, उसका कारण क्या है, इसमें पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए वो लाइट को विजिबल नहीं कर पाती। सॉल्यूशन पे टॉर्च मारने पर, सॉल्यूशन पे टॉर्च मारने पर लाइट का पैथ नहीं दिखता इसके अंदर, ठीक है याद रखना। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पर देख लो, सॉल्यूशन दिख रहा होगा, कोलॉइड दिख रहा होगा, सस्पेंशन, सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो आपको देख लो कहीं पर भी आपको देखो लाइट का पाथ दिख रहा है, कोलॉइड में और सस्पेंशन में दिखेगा, सॉल्यूशन में नहीं दिखता। तो सॉल्यूशन की ये भी प्रॉपर्टी है कि सॉल्यूशन के अंदर आपको लाइट का पाथ नहीं दिखता, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटा, और इतने छोटे पार्टिकल लाइट को विजिबल नहीं कर सकते। अगली प्रॉपर्टी बेटा फिल्टर पेपर, जैसा कि आपको पता होगा सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन में दो चीज़ होती है, एक होता है आपका सॉल्यूट, एक होता है आपका सॉल्वेंट। बेटा आप फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके, फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके आप इसके पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे फिल्टर पेपर होता है ना, आपने सॉल्यूशन डाला, जैसे एग्जांपल के तौर पे मानो मैं समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान से, आपने सॉल्यूशन को डाला, ये आपका फिल्टर पेपर है, ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूट के पार्टिकल अलग हो जाएंगे और सॉल्यूशन आपका अलग आ जाएगा, सॉरी सॉल्वेंट आपका अलग हो जाएगा,
ये सॉल्वेंट है, आपका सॉल्यूट है। ऐसा नहीं होगा आप सॉल्यूशन डालोगे और सॉल्यूशन डालने पर फिल्टर पेपर पे सॉल्यूट के पार्टिकल अलग हो जाएंगे और आपका जो सॉल्वेंट होगा वो अलग हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को मिलकर बनता है ना सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर बनता है सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग नहीं होता, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, वो फिल्टर पेपर के ऊपर पार करके चले आते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी बेटा, अगर मैं बात करूं इसकी, देखो 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटा दिखा रखा है ना, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के जितने भी पार्टिकल होते हैं ना, अगर आप सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ोगे अनडिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब मतलब ऐसे ही छोड़ दे, बिल्कुल छेड़ना नहीं है, बस ऐसे ही रख दिया, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ऐसे ही रख दिया सिंपल अनडिस्टर्ब्ड, सॉल्यूशन के पार्टिकल कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होते। ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूशन के पार्टिकल पहले ऐसे थे, बाद में आपने अनडिस्टर्ब छोड़ा तो सॉल्यूशन के पार्टिकल सारे नीचे बैठ गए, ना, कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होते, ये रैंडमली हमेशा मूव करते रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए हम सॉल्यूशन के बारे में, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आखिरी प्रॉपर्टी में, आप ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन इज अ स्टेबल, देखो यहाँ पर द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल, इसीलिए सॉल्यूशन को स्टेबल कहा जाता है। देखो सॉल्यूशन को स्टेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसके पार्टिकल होते हैं ना, अगर हम सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ें तो सॉल्यूशन के पार्टिकल कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होते, इसीलिए सॉल्यूशन को स्टेबल कहा जाता है, इसीलिए सॉल्यूशन को कहा जाता है बच्चों स्टेबल। क्यों, ये आखिरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपसे कोई बोलेगा भैया सॉल्यूशन ना स्टेबल है, आप बोलेंगे सर सॉल्यूशन की जो पार्टिकल होते हैं अगर आप उसे अनडिस्टर्ब छोड़ोगे तो वो कभी नीचे सेटल डाउन नहीं होते, और नीचे सेटल डाउन नहीं होते इसीलिए हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा स्टेबल होता है।